तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने ले लिया दही, जैसे लस्सी नहीं है तो दही में बना रही हूँ। तो उसमें डाल दिया मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ऊपर से डाल देती हूँ धनिया का पाउडर। तो सभी चीज़ें मैंने इसे दही में डाल लिया है। अभी बेसन नहीं डाला है तो बेसन और डालना है, तो ये डाल लिया है मैंने बेसन। जैसे साबुत चने होते हैं उसका पिसा हुआ है, तो थोड़ा सा कलर चेंज है बेसन का, तो इसमें मैंने बेसन डाल लिया है। अब इसमें डाल लेती हूँ पानी, जैसे मथनी से करने के लिए, और इसे मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। ऊपर से डाल देती हूँ पानी, तो और थोड़ा पानी डाला था मैंने पहले इसको, जैसे एक बिलो लिया था, बिलोना भी बोलते हैं, या मथनी से मथ लिया था, तो उसमें भरपूर मैंने जितना पानी डालना था वो डाल लिया है। पकौड़े के लिए बनाते हैं, जैसे पकौड़े वाली कढ़ी बनानी है उसके लिए ले लिया बेसन, तो उसमें डाल लिया मैंने अजवाइन, थोड़ी सी हींग डाल दी है इसमें ही। ऊपर से डालते हैं लाल मिर्च और थोड़ा सा डाल देती हूँ धनिया पाउडर, तो अच्छी पकौड़े बनेंगी। और डाल दिया मैंने नमक, तो सभी चीज़ों को पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जैसे नरम नरम पकौड़ी बनानी है तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे इस बेसन को, नरम पकौड़ी तभी बनती हैं। और बच्चों को पकौड़े वाले कढ़ी है वो बहुत पसंद है, और साथ में चावल चाहिए तो साथ में बनाऊंगी चावल। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने 2-3 बार में इस पकौड़ियों के लिए घोल तैयार कर लिया है। तो घोल तैयार करके मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए, और कढ़ी का भी तैयार कर दिया था, और चढ़ा दिया मैंने सरसों का तेल पकौड़ी तलने के लिए। पहले पकौड़ी तल लेती हूँ फिर कढ़ी को छोंक लगाऊँ, क्योंकि साथ में ही फिर फट जाएगी कढ़ी, दोनों काम नहीं हो पाएंगे एक साथ। तो छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ मैं। प्याज वाली भी पसंद है बच्चों को कढ़ी, और पकौड़े वाली ज़्यादा पसंद है, बच्चे जैसे ज़्यादा खुश होके खाते हैं पकौड़े वाली कढ़ी, और साथ में रोटियों की जरूरत नहीं है, जैसे चावल हों तो बहुत खुश होके खाते हैं बच्चे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना किन किन बच्चों को पकौड़े वाली कढ़ी और चावल पसंद हैं। तो इसमें मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि कम तेल लेती तो फिर ज़्यादा देर लगती, और कढ़ाई भी बड़ी है, इसलिए मैंने तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया था कि जल्दी बन जाएंगी। तो अलट पलट के मैंने इनको सबको अच्छे से पका लिया है, तो सारी पक गई थी, इनको निकाल देती हूँ। ये मेरे पास महीन वाली जहर है, जैसे इसमें तेल आता है, कितना भी जार लो फिर भी आता है, तो मुझे दूसरी जहर लानी है। लेके आई थी तब तो पता नहीं था कि इतना तेल इसमें रहेगा, मैं जार देती हूँ फिर भी नहीं जरता अच्छे से। जो मोटे वाली आती है तार तार वाली, उसमें सारा तेल निकल जाता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं उसका तेल तेल सा नहीं रहता उसमें। और इससे निकालते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल रहता है जहर में। तो ये इन्हीं पकौड़े को मैं इसी तरीके से सभी को पका लेती हूँ। जैसे एक बार की पक गई थी वो निकाल दी है, तो दूसरी बार भी मैंने इसमें डाल दी है, तो सभी पकौड़े को पका लेती हूँ। तो सारी मैंने डाल दी थी, और यहाँ पर पानी ले लिया है, और पानी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक, और ऊपर से डाल देती हूँ ये पकौड़ियाँ, क्योंकि बिना डाले जैसे पानी में थोड़ी सी डाल दो तो अच्छी सी नरम हो जाती हैं, और अंदर तक कढ़ी का रस चला जाता है। जैसे ऐसे थोड़ी सी हाथ से दबाओ, दबा के और फिर नमक के पानी में डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्टी बनती हैं और नरम होती हैं बिल्कुल। तो ये चावल भी बना दिए थे मैंने, साथ में ही रख दिए थे, पकौड़े जैसे तले थी तभी मैंने इसको भिगो के चावलों को रख दिया था 5-7 मिनट के लिए। फिर मैंने इसको सिम पर पकाया है, जैसे सिम कर दिया था, तो इसमें जैसे तेल बच गया, पकौड़ी सारी बन गई थी, और पानी में मैंने डाल दी है सारी पकौड़ी, वो नरम भी हो गई हैं, अभी नहीं निकालूंगी और 2-3 मिनट रखूंगी। और यहाँ तेल ज़्यादा है तो मैं इसमें डाल देती हूँ, तो तेल मैंने निकाल दिया था। उसके बाद डाल दी है मैंने अजवाइन, हींग और मेथी, और थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया छोंक के लिए जीरा और तेज पत्ता। कढ़ी और राजमा जैसे छोले होते हैं उनमें ना डालो तो टेस्ट नहीं आता। जैसे पक गया था उसके बाद डाल दी मैंने, घोल बना के रखा था वो कढ़ी का,
इसका जैसे बॉयल नहीं आ जाएगा इतने, इसको चलाती रहूंगी धीरे धीरे, नहीं तो फट जाती है। तो कढ़ी अच्छे से पक गई थी, तो अच्छे से बॉयल आ गई थी जो, उसके बाद मैंने डाल दिया, जैसे थोड़ी सी और पकाई, बॉयल उबाल आने के बाद उसके बाद मैंने डाल दिए इनको निकाल के। जैसे पानी है इसमें थोड़ा सा, तो हाथ से हम ऐसे ही निकाल देंगे, पानी पूरा निकल जाएगा। और बहुत नरम पकौड़ी बनती हैं ऐसे, जैसे सीधी डाल देते हैं तो वो इतनी नरम नहीं होती हैं, और पानी में डाल के हम डालते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। तो सारी पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, ज़्यादा पकौड़ी होती है उतने बच्चों को टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पकौड़ी डाली है इसमें, चावलों के साथ खाएंगे। तो ये डालने के बाद जैसे ही मैंने चलाया थोड़ा सा इसको बार बार, तो कढ़ी को अच्छे से 15 से 20 मिनट हो गई पकते पकते। कढ़ी जितनी पकेगी उतनी टेस्टी बनती है, जितनी बार पकाएंगे पतली पतली घोल के, जैसे हम जितने बार टाइम देंगे पकने को इतनी बार, तो कढ़ी बन के हो गई है तैयार। गैस को कर देती हूँ और बच्चों को लगा देती हूँ खाना। बच्चों को उनका मनपसंद खाना मिल जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर गरम गरम मैंने कढ़ी डाल दी है, और बच्चों के लिए लगा देती हूँ थाली। तो मैंने कटोरी में कढ़ी डाल के और ढक के रख दी थी। यहाँ पर बनानी थी मैंने लस्सी, जो दही बचा था कुछ दही, तो मैंने उसके लिए ले लिया था। कुछ दही मैंने कल का खट्टा दही रखा था कढ़ी के लिए, जैसे खट्टा दही होता है उतनी खट्टी खट्टी कढ़ी टेस्टी बनती है। तो साथ में डाल देती हूँ चावल। सलाद सलूद कुछ नहीं काटे है, क्योंकि चावल और कढ़ी होते हैं तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं, सलाद भी बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने चावल ही डाल देती हूँ कढ़ी के साथ में, सलाद भी नहीं कट की। बच्चों ने मना कर दिया था नहीं खाएंगे, इसलिए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी जैसा टाइम मिलता है वैसे बनाने की कोशिश करती हूँ वीडियो। बीच में पहले भी काफ़ी दिन नहीं आई, और अब भी जैसे हफ्ता भर हो गया है वीडियो बनाने का टाइम इतना नहीं मिलता है बच्चों के साथ। तो खाने की थाली लग के हो गई है तैयार, आप सब भी खा लिए। वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।